हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और आज की वीडियो में ना हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। मतलब बहुत टाइम के बाद चैनल में ना ड्रैग रेस की वीडियो आ रही है। और यार, ड्रैग रेस की जो भी वीडियोस होती है ना, देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत फैक्टर्स प्ले करते हैं यार। अब सेडान है तो सेडान से करा के ही ड्रैग रेस करा के ही फायदे से, होंडा सिटी से, सियाज से, आई नो, बट वही है ना, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इसलिए आज हम 2013 मॉडल सफारी, जिसमें 2.2 डीजल इंजन आता है, 138 bhp, 320 nm का टॉर्क और बहुत ही रैंडमली अवेलेबल हुई है, तो मैं सोचा क्यों ना इसकी ना ड्रैग रेस करी जाए। मतलब जो ये वाली सफारी है ना, सफारी डिकोर के नाम से फेमस है ये, और इसकी ना अलग ही फैन फॉलोइंग होती है। आप देख ही लो भाई, बिल्कुल ही ट्रक सा लगता है। और साइड में है अपनी वरना, वही ये 1.5 डीजल है जिसमें आती है 114 bhp, 250 nm का टॉर्क। नो डाउट भाई, पावर इसमें कम है, पावर उसमें ज़्यादा है, बट वेट इसका कम है, एयरोडायनेमिक्स, ये सब इसका फायदा है। और ये बॉक्सी लुक है, SUV है, प्रॉपर SUV लगती है भाई ये। तो लेट स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट राउंड करते हैं। एंड उससे पहले भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भाई सबसे पहले तो ट्रैक्शन कंट्रोल कर देते हैं बंद, शीशा कर देते हैं बंद, AC हमारा ऑफ है, और थर्ड हॉर्न पे हम चलेंगे। ओ यार, ये मैंने गलत पिकअप कर दी, बट स्टिल जीत तो जाएगी, वरना मैंने पिकअप गलत कर दी थी। ये लो, कोई बात है, इजीली जीत चुकी है। उधर दिखा दो थोड़ा, वो देखो डिस्टेंस भी अच्छा खासा रह चुका है। अब एक और राउंड करते हैं भाई। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि ना सफारी को ना थोड़ी आगे खड़ाता हूँ और वरना को थोड़ी पीछे खड़ाता हूँ, फिर देखते हैं, क्योंकि वही है ना भाई, ये पूरा ट्रक है सफारी। तो ये देखो कितनी, जो मतलब इसकी रोड प्रेजेंस है ना भाई, बहुत ही अमेजिंग रोड प्रेजेंस है इसकी। और मैं साथ में जो कैमरा पकड़ रखे हैं ना, वैसे ओनर ही बैठे हैं इसकी। वैसे आप अलग वीडियो में आप मतलब बता ही दूंगा मैं आपको क्या है इसका सिस्टम, क्या नहीं। फिलहाल तो हम सेकेंड राउंड करते हैं भाई। मोड़नी भी कितनी ओखी है यार भाई, बहुत है ना, दो बारी में मोड़ती, इतनी बड़ी कार है ना भाई ये। एक बारी ना घर वाले आए हुए थे, मैं दिवाली के टाइम पे ना इसे चंडीगढ़ लेगा, हाँ हाँ। मैं तो हाथ जोड़ दिया, बोला आज के बाद चमेर को मत लेके जाना। सही में ज्यादा ही है, बिल्कुल ही छोटा। थोड़ी ना आगे कर ले, थोड़ी आगे कर ले तू अपनी, अरे वो गलत छूटा था वैसे तो, थोड़ी आगे कर ले, और आगे कर ले, कर तो फिर मजा आएगा ना, और कर ले, और कर ले, बस बस बस, बहुत है इतनी फर्क तो, इनिशियल में तो फर्क आ ही जाएगा। तीसरे हॉर्न पे ट्रैक्शन भाई ऑफ है, ये है सेकंड राउंड। सफारी हमने भाई आगे खड़ा दिया, अब तीसरे हॉर्न पे करते हैं। आगे खड़ा दी सफारी, और इस बार तो ना पिकअप भी बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना एक परफेक्ट पिकअप होती है, वो हुई है। व्हील स्पिन भी बहुत खतरनाक हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है इसने जीत ही जाना था। मतलब सफारी आगे भी थी बट स्टिल जीत ही गई है। तो अब ना बस लास्ट राउंड करते हैं भाई सेटिस्फेक्शन के लिए, बस लास्ट एंड फाइनल राउंड। अब इसमें ना सफारी को थोड़ी और आगे कह दूंगा मैं कि भाई और आगे ले जा, फिर देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। वो ये है, अगर मैं लॉन्चिंग अच्छी हुई ना, जैसे ये परफेक्ट लॉन्चिंग थी, तो आ ही जाता है जमीन आसमान का फर्क। बट अब ठीक है ना, अब इसे कहते हैं कि और आगे कर, फिर देखते हैं, मतलब थोड़ा और टफ कंपटीशन हो ना। आगे ले जा थोड़ी, जहां तक जा, वरना के थोड़ी और आगे ले जो, जब वरना खत्म होती है, जान दे जान दे जान दे, और थोड़ी सी सुन, और आगे ले जा, देख लो भाई सफारी और आगे, मैं ना थोड़ी और पीछे कर लेता हूँ, ये लो पीछे, फिर गड्ढा आ जाएगा, बस ये देखो अच्छा डिफरेंस हो गया भाई। ठीक है, अब थर्ड हॉर्न पे चलते हैं। ओ हो, जीत जाएगी सेकंड गियर पे इसकी ना, मेन तो टर्बो सेकंड पे लॉन्च होता है, ये जीत गई भाई। और ये टफ था बहुत ही, मतलब कि क्लोज कॉल थी, और अच्छा डिफरेंस आ ही चुका है, और थर्ड राउंड भी वरना जीत ही चुकी है। फिलहाल तो हम अब रुक के बाहर वीडियो कंक्लूड करते हैं। ये देखो मोड़ने में क्या दिक्कत आती है भाई सफारी को ही, ये बात तो है। थर्ड में ना जब इसे आगे करा, जब थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई मजा आ रहा है, और मौसम तो आज इतना बेकार है ना, इधर शोर भी हो रहा है, और आप कार की हालत देख लो, जब से ट्रिप से आए हो ना धुलवाई नहीं है, क्योंकि रोज ही बारिश हो रही है भाई। अब बारिश रुकी थी तो हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आज ये सफारी अवेलेबल थी। बट ठीक है भाई, खींचने में तो मजा आया ही होगा, कहाँ गया भाई।
अरे गुम हो गए आप तो, कैसे खींचने में मजा आ रहा था भाई? 2013 के हिसाब से कितनी बढ़िया नहीं दौड़ रही, जो मुझे मतलब पर्सनली लग रहा है। और जब ये लास्ट राउंड में तो फिर भी थोड़ा क्लोज था थोड़ी देर के लिए, बट वो ये भाई भारी इतनी है ना कार, ये बात आ जाती है, बहुत ही भारी कार है। और इधर वही 2.2 की बैजिंग आती है, बट 2 मीटर है इसका। हाँ, अच्छा इसने निकाला था वो। और भाई कह रहे हैं मतलब इसने चलाई है ना ड्रैग रेस में, ये कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो को तो हरा सकते हैं, मतलब इतनी कैपेबिलिटीज है 2013 के मुताबिक। तो यार इस वीडियो को तो ना यहीं पे एंड करते हैं, रिजल्ट आपने देख लिए वरना जीत चुकी है। बट वो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये वीडियो ना एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होती है भाई, और कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना भाई, इतनी बड़ी कार, इतना ज्यादा वेट, और वो ये सेडान है, एरोडायनेमिक्स नो डाउट, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, पावर इसमें ज्यादा है, बीएचपी इसमें ज्यादा है, टॉर्क इसमें ज्यादा है, बट वही बात आ जाती है ना इसमें वो कम है, बट स्टिल यार टेक्नोलॉजी का भी फर्क होता है 2021 ये 2013। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।